Hello students, welcome to Sri Sith Vidyapeeth School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin a new poem, Friendly Fauna. Fauna means a group of animals known as fauna. It's a beautiful poem based on some interesting animals in Australia. The poem is all about the variety of animals found in Australia. This poem is written by Robin McMurklane, is an Australian writer of children books. She was born in 1936 in Kempsey, New South Wales, and now resides near Melbourne. So in this poem, poet has given a unique and beautiful description of some animals which can easily frighten anybody. So in this poem, we are going to read about the beautiful animals of Australia. So let's begin the poem. Read this poem about the friendly fauna of Australia, the land that is home to the kangaroo. Okay, this poem is friendly fauna of Australia. हम इस poem में Australia के fauna के बारे में जानेंगे, वहाँ के animals के बारे में जानेंगे. Australia जो kangaroo का land माना जाता है, kangaroo का घर माना जाता है. Australia is famous for kangaroos. Welcome to Australia. You must come and meet a cuddly native animals, timorous and sweet. At this vast and wondrous country where creatures rare abound. Welcome to Australia. Poet हमें Australia हमें Australia में welcome कर रही है through this poem. अब हम इस poem में animals के बारे में पढ़ेंगे. So welcome to Australia. You must come and meet. Poet कह रही है welcome to, आइए Australia में और जानिए यहाँ के नेटिव एनिमल्स के बारे में जो बहुत ही स्वीट है, जो बहुत ही इजीली टिमोरस मींस इजीली फ्राइटेंड, जो कि यहाँ के एनिमल्स जो नेटिव एनिमल्स है, जो अगर नॉर्मल पीपल को देखेंगे तो वो बहुत जल्दी डर जाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पोएट कह रही है आइए और मिलिए हमारे नेटिव एनिमल्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स से जो बहुत ही स्वीट और टिमरस है. दिस वास्ट एंड वंडरस कंट्री वेयर क्रिएचर्स रेयर अबाउंड. ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैसे डिस्क्राइब किए, बहुत ही वास्ट और वंडरस कंट्री है, बहुत ही मार्वेलस है वो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वास्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री, जहाँ के क्रिएचर्स बहुत ही रेयर है, मतलब वहाँ पर ही जो एनिमल्स है बहुत रेयर पाए जाते हैं. उप्स, डिड इट बाइट यू, दैट ब्लैक स्नेक ऑन द ग्राउंड. आई रियली शुड हैव वॉर्न्ड यू टू टेक केयर हाउ यू ट्रीट फॉर ट्विंड अराउंड योर अदर फूट. आई सी अ कॉपर हेड. अब पोएट हमें एज अ पोएम के थ्रू हमें ऑस्ट्रेलिया की पूरा ऑस्ट्रेलिया का पूरा फौना के बारे में बता रही है. तो अब जैसे कि हम पोएम के अंदर घुस चुके हैं, तो वो अब हमसे पूछ रही है ओ क्या आपको किसी ने कुछ काटा. वो ब्लैक स्नेक है ग्राउंड पे, वो पूछ रही है. आई रियली शुड हैव वॉर्न्ड यू टू टेक केयर हाउ यू थ्रेड. पोएट कह रही है मैं आपको वॉर्न कर देना चाहिए था हमें कि आप नीचे आके आगे पीछे क्या है देख कर चले. फॉर ट्विंड अराउंड योर अदर फूट आई सी अ कॉपर हेड. आप संभल कर कदम रखिए क्योंकि आपको पता नहीं कि कब आपके पैरों में क्या आपको लपेट ले, क्योंकि देयर वॉज अ कॉपर हेड ब्लैक स्नेक ग्राउंड पर घूम रही थी. What pretty colored berries are nature's great provider. Sorry my mistake. Do not eat that red black spider. Yes, of course, you may paddle, you may certainly go in. But I wouldn't get too pally with that sinister black fin. You have changed your mind. So, अब ये थर्ड स्टैंजा में पोएट हमसे ये कह रही है वो ब्लैक बेरीज को डिस्क्राइब कर रही है. वो बता रही है वो जो ब्लैक बेरीज जो जंगल में हैं वो बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्वीट है. ये वो बता रही है नेचर का बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा गिफ्ट है. इट्स अ ग्रेट प्रोवाइडर कि हमें नेचर के थ्रू इतना अच्छा अच्छा फ्रूट्स खाने को मिलता है. सॉरी माई मिस्टेक, डू नॉट ईट दैट रेड ब्लैक स्पाइडर.
और कह रही सॉरी माई मिस्टेक, वो रेड ब्लैक स्पाइडर को मत खाइए, वो येस ऑफकोर्स यू मे पैडल, यू मे सर्टनली गो इन, येस ऑफकोर्स यू मे पैडल, वो बोले अब बिल्कुल उस ब्लैक स्पाइडर को देख कर एकदम सरप्राइज हो गए होंगे, अब बहुत ज़्यादा ये रेस्ट हो गए होंगे कि क्या ये तो बेरीज है, ये थोड़ी ना स्पाइडर है, लेकिन नहीं, वो जो ब्लैक, वो जो बेरीज में बेरीज के जैसे हैं वो ब्लैक स्पाइडर भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो सकते हैं, तो वो हमें बता रही है, आप लोग उसे देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये भी तो इतनी सुंदर है तो ये तो बेरीज हो सकते हैं, और अगर आप खाएँगे तो वो बहुत ही पॉइजनस ब्लैक स्पाइडर होगा। But I wouldn't get to parley with that sinister black fin. मुझे उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो इस ट्रूप, मुझे ये सब के बारे में पता है, तो मुझे इससे, मुझे सब, मुझे पता है कि कौन से बेरीज होते हैं, कौन से ब्लैक स्पाइडर्स होंगे। यू हैव चेंज योर माइंड, क्या आपने अपना माइंड तो नहीं चेंज कर लिया, पोएट हमसे पूछ रही है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द हाफ पार्ट ऑफ द पोएम, next part of the poem we are going to discuss in the next video. If you have any doubts regarding this poem, you can ask me. I am going to clear it out in the next video.